73 साल उस्मान बेग पिछले 5 महीने से लापता हैं। 10 जून 2021 को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ये लापता हो गए थे और उस दिन से लेकर आज तक इनके फर्जन सिराज बेग और दीगर हजारों लोग सिकंदराबाद के अलावा आसपास के कई शहर और विलेजेस में छानबीन किए हैं, पर कोई पता नहीं चला। उस्मान बेग गुलबर्गा शहर के रहने वाले हैं और अजमेर से वापसी के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ये लापता हो गए हैं। पिछले 5 महीने से घर वाले बेहद परेशान हैं, मानो जैसे इस घर में हर दिन मातम का माहौल बना हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपकी एक छोटी सी कोशिश के ज़रिए उस्मान बेग अपने घर वापस आ सकें। सिकंदराबाद, हैदराबाद और दीगर कई शहरों में लगातार 5 महीने से तलाश जारी है, पर मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। 10 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद से कोलकाता, नरसापुर से निगमपल्ली, आदिलाबाद से त्रिपुरा, निज़ामाबाद से त्रिपुरा, नांदेड़ से टांडू और सिकंदराबाद से कुरनूल इस रूट को जाने वाली ट्रेन गुजरी हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है 10 जून को गुजरने वाली तमाम ट्रेनों से किसी भी शहर में उस्मान बेग जा सकते हैं। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर वो शहर तक पहुंचाने की ज़रूरत है जहां सिकंदराबाद से ट्रेन का आना जाना लगा रहता हो। इसके लिए हम सबको मिलकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। आखिर में आपको एक बात बता दूं, उस्मान बेग के फर्जन सिराज बेग ने उनके वालिद को ढूंढने में मदद करने वालों के लिए 2 लाख रुपयों का इनाम रखा है। अगर आप उस्मान बेग को ढूंढने में मदद करेंगे तो आपको ये 2 लाख का इनाम मिल सकता है।